छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र, जातिगत समीकरण, राष्ट्रीय मुद्दों का आसरा, भीतरघात का डर। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सिमर थराम और आपका स्वागत है द सुगम पर। आपने द सुगम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए। तापमान में भले ही 40 डिग्री से ऊपर हो, जिले में सुनावी माहौल ठंडा है। गाँवों में न सुनाव कार्यालय दिख रहे हैं और न ही झंडे बैनर। भीलवाड़ा मतदाता वैसे अभी मौन है, लेकिन मुद्दों की बात करने पर कहते हैं कि लोकसभा में स्थानीय मुद्दे ज़्यादा मायने नहीं रखते। आम मतदाता राष्ट्रीय सुरक्षा, महंगाई, भ्रष्टाचार, कालाधन, नोटबंदी, GST जैसे मुद्दों पर दोनों ही दलों की सोच, नीतियों और घोषणाओं को परखा है। 2 साल पहले तक गर्मियों में भीलवाड़ा शहर में बिसलपुर से ट्रेन से पानी आता था, लेकिन संबल परियोजना आने से पानी की समस्या दूर हो गई है, लेकिन अभी भी कई कॉलोनियों में पेयजल संकट बना हुआ है। भीलवाड़ा के उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषित पानी भी बड़ी समस्या है। कोटा रोड पर स्वाहीपुर कस्बे में किसान बद्रीलाल तेली राम कुमार जाट का कहना है कि पिछले साल अफीम नीति में संशोधन से यहां के किसानों को काफ़ी फायदा हुआ है। नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई से भी किसान खुश हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा का पलड़ा भारी रहा है। कुल 8 में से 5 सीटों पर भाजपा और 3 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। 9 बार कांग्रेस जीती। भीलवाड़ा सीट पर 1952 से लेकर 2017 तक हुए 16 आम चुनाव तथा 1967 में हुए उपचुनाव में 9 बार कांग्रेस, 4 बार भाजपा और 1-1 बार राम राज्य परिषद, जनसंघ, भारतीय जनता दल, जनता दल ने जीत हासिल की है। अब तक की इस सीट पर सर्वाधिक मतों से गत चुनाव में भाजपा के सुभाष बैडिया ने 2,46,267 मतों से जीत हासिल की थी, जबकि सबसे कम अंतर से 1991 में जो चुनाव में कांग्रेस के शिवसन माथुर 10,761 मतों से जीते थे। ये सुनेंगे भावी सांसद। कुल मतदाता हैं यहाँ से 19,94,341। पुरुष मतदाता यहाँ से बात करें तो 10,08,199 हैं और महिला मतदाता की बात करें तो यहाँ महिला मतदाता है 987,659। मित्रों, इन मतदाताओं में से काफ़ी कुछ यहाँ के अनुभवों का कहना है कि BJP के मतदाता ज़्यादा हैं। देखेंगे, आलाकमान ही तय करेगा कि कौन मतदाता किस और अपना रुझान बदलता है। फिलहाल के लिए इतना ही।